स्वागत है आप सभी का नव भारती परिवार में। मेरा नाम है सलोनी मुद्गिल और आज हम कार्बन एनिट्स कंपाउंड का थर्ड पार्ट करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो भी कंपाउंड्स कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन से कंपोज्ड हैं, ठीक है, कार्बन से कंपोज्ड हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही क्या है कि जो कंपाउंड्स कार्बन से ही बने हैं, प्योरली कार्बन से बने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कुछ और कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन या फिर और भी, कार्बन के अलावा और भी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कोई और एलिमेंट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन एट प्रेजेंट इज मोर देन 5 मिलियन। अभी के टाइम पे जो नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अभी के टाइम पे, इस टाइम पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है वो 5 मिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है, 5 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अभी तक जो हमें पता है जिनके बारे में, और भी अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रीजन है बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा? मैंने आपको बताया कि इधर देर आर मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन टिल डेट, अभी तक 5 मिलियन बताए। तो इसका क्या रीजन है कि इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों है ऐसा? पहला रीजन है कार्बन की टेंडेंसी। क्या टेंडेंसी है कार्बन की? कैटेनेशन की टेंडेंसी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी आपको। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन मतलब खुद की ही बहुत लार्ज चेन्स बनाना, ठीक है। कार्बन एटम्स कैन लिंक विद देयर ओन बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो खुद से ही लिंक कर सकते हैं कार्बन एटम जो है, किसके थ्रू? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्यों करते हैं? ताकि वो लॉन्ग चेन्स और रिंग बना सके कार्बन एटम की, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बन की प्रॉपर्टी जिससे कि वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, कई सारे एटम्स आपस में ज्वाइन होके लॉन्ग चेन बना सकता है, वो क्या होती है? कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन सिर्फ कार्बन नहीं करता, और भी कंपाउंड्स करते हैं और भी एलिमेंट्स करते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स करते हैं, जैसे कि सल्फर भी करता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। पर इतनी लार्ज चेन्स सिर्फ कार्बन ही बना पाता है, इतनी एक्सीलेंट क्वालिटी की चेन्स सिर्फ कार्बन ही बना पाता है। इसीलिए कार्बन के ऊपर एक पूरी एक हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ये रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है? अनदर रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, विच इज क्वाइट लार्ज। हाइएस्ट वैलेंसी 4 होगी, हाइएस्ट वैलेंसी 4 है, 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती है। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर भी ज्यादा है। क्योंकि कोई किसी हर कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा वो हर अलग अलग तरीके से ज्वाइन होगा, किसी में कुछ शेयरिंग होगी, किसी में किस तरह शेयरिंग होगी, तो हर चीज का अलग अलग से डिपेंडेंट होगा वैलेंसी पे। तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, जो कि हाईएस्ट वैलेंसी होती है, विच इज क्वाइट लार्ज, इसीलिए क्या है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसीलिए इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ठीक है। अब इधर देखो किस तरह से
कार्बन कंबाइन होते हैं और अलग अलग कैटेनेशन की प्रोसेस चलते हैं इसमें। सबसे पहले चलता है ब्रांच्ड चेन बनाता है। किस किस तरह की चेन बनाता है? एक तो ब्रांच्ड चेन बनाता है सबसे पहले, दूसरे नंबर पे बनाता है लीनियर चेन, थर्ड बनाता है ये रिंग चेन, लार्ज रिंग्स बन सकती हैं, उनसे डिफरेंट शेप्स बनती है। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी आपको सेकेंड वाली जो है लीनियर चेन। लीनियर क्या होता है? लीनियर इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू लाइन्स। तो देखो यहाँ कार्बन एक लाइन बना रहा है, सीधी लाइन में ही है। यहाँ कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, फिर एक स्ट्रेट लाइन में, इनमें कोई और अलग से बाहर नहीं निकल रहा है कार्बन, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है एकदम स्ट्रेट। तो ये क्या हुआ? लीनियर। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन या फिर रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब। तो लीनियर चेन बन रही है यानी कि स्ट्रेट चेन बन रही है, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है या फिर कोई भी कार्बन अलग से नहीं जुड़ा हुआ है ना। अब आते हैं ब्रांच चेन पे। ब्रांच में क्या होता है? जैसे कि एक ट्री की, एक ट्री है, उसकी ब्रांचेस होती है, उसकी टहनियां होती हैं, वो अलग से निकली हुई होती हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से अलग से ट्री की ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। तो यूं ही एक कार्बन चेन की भी ब्रांचेस निकली हुई है, या एक स्ट्रेट लाइन में, जब एक स्ट्रेट, ये मान लो ट्री है, उसकी ब्रांचेस निकली हुई है अलग अलग जगह से, तो ये क्या हो गई? ब्रांच्ड चेन, क्योंकि इसमें ब्रांचेस निकली हुई है एक स्ट्रेट लाइन की, तो क्या हो गई? ब्रांच्ड चेन। लास्ट है रिंग चेन। रिंग में क्या होता है? अलग अलग शेप्स की रिंग बनी हुई, जैसे कि ट्राइंगल बना हुआ हो जाता है, कोई भी शेप बन सकती है, पेंटागन, डेकागन, कोई सी भी शेप बन सकती है। सबसे पहले देखो तीन कार्बन कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे और ट्राइंगल बन रहा है, तो ये क्या बन गई? एक रिंग। रिंग कोई भी शेप जिस जो क्लोज है। रिंग क्या है? कोई भी शेप जिस कार्बन से बनी हुई शेप जो कि क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। जैसे ये तो है पूरी ओपन है, ये क्या है? पूरी क्लोज्ड है कार्बन के थ्रू ही। तो ये रिंग बन गई है, पेंटागन बन गया, ये हेक्सागन बन गया है ना। तो ये हो गए रिंग चेन। और क्या है ये? कैटनेशन इन कार्बन। कार्बन कैटनेशन कर रहा है यानी कि सेल्फ कॉम्बिनेशन कर रहा है, खुद से ही कंबाइन हुआ है कार्बन, आप देख सकते हो यहाँ पे खुद से ही कंबाइन हुआ है कार्बन, है ना। तो ये है हमारा कैटनेशन इन कार्बन, तीनों इसकी चेन है डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिफरेंट तरह के होते हैं। किसी में ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, किसी में हाइड्रोजन होगा, किसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, किसी में कोई और ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इस सब के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट तरह के हो जाएंगे ना ये, क्योंकि डिफरेंट तरह के हो जाएंगे। किसी में हाइड्रोजन है, किसी में ऑक्सीजन है, किसी में दोनों है, किसी में दोनों ही नहीं है, ऐसे ऐसे केसेस आएंगे। और अरेंजमेंट में के भी केसेस आएंगे, किसी को हमने चेन स्ट्रक्चर में अरेंज कर रखा है तो उसका नाम अलग हुआ, ठीक है। तो ये सब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मींस कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ये कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। सेकेंड है हेलो एल्केन्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनमें हेलो ग्रुप ऐड हो जाता है, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हेलो ग्रुप ऐड हो जाता है वो होते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप कैसे होता है? एल्कोहल में कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH ये जुड़ जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसे ही एल्डिहाइड, CHO, कीटोन्स, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये सिक्स हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार वाले टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पूरा का पूरा चैप्टर इन छह चीजों पर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इन छह चीजों पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली मोस्टली हम हाइड्रोकार्बन्स कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स से। उससे पहले अच्छा चलो हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? जैसे कि मैंने आपको बताया, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सिर्फ इसमें क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन ही है इसमें, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन।
तो ये क्या बन गया, हाइड्रो, हाइड्रोजन का हाइड्रो और कार्बन, तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो कौन कौन से कंपाउंड होंगे, जैसे कि मीथेन, मीथेन में क्या है CH4, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इथेन में क्या है C2H6 एक्सेट्रा आर हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे आर कंपोज्ड ओनली एंड ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और मोस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स, यानी कि नेचुरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पेट्रोलियम, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक सब ग्रुप है जिसको कहते हैं एल्केन्स, एल्केन्स नाम पे ध्यान देना, एल्केन्स है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में दो ग्रुप्स होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि एल्केन्स की, क्या किए होते क्या हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्योंकि हमें इस टॉपिक को समझने से पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो ये एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स हैं, उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड जानना जरूरी है कि कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो। ठीक है, तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, वैसे तो कोवेलेंट, आयनिक और ये वाले बॉन्ड होते हैं, पर बेसिकली जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो किस तरह, कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले होता है सिंगल बॉन्ड, फिर होता है डबल बॉन्ड, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड, इनके नाम में ही इनकी पहचान है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या होती है, एक सिंगल डैश होती है दो एलिमेंट्स के बीच में, यहाँ कोई एलिमेंट होगा, यहाँ कोई एलिमेंट होगा, उनके बीच में सिंगल डैश, एक स्मॉल डैश, ये तो होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में डबल लाइंस होती हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में होती हैं ट्रिपल लाइंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स। अब ये लाइन कैसे बनी, इसमें दो इसमें सिर्फ एक एटम शेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के बीच में बन रहा है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन्स के बीच बन रहा है, इसमें छह इलेक्ट्रॉन्स या फिर तीन इलेक्ट्रॉन्स के बीच बन रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यानी कि चार हो गए, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यानी कि दो हो गए। तो इस तरह सिंगल बॉन्ड, इस तरह से डबल बॉन्ड और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखो सिंगल बॉन्ड का, H-H क्या बनाता है, H2। अब C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल लाइंस है। ऐसे ही N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया, इसके आउटरमोस्ट शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, 3, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3, इसमें यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, इसमें 4 होते हैं, 2 इसके, इस तरह से होता है, और एक एक इनके पास में। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको, जिसकी कैटेगरी में क्या आते हैं, एल्केन्स आते हैं। तो एल्केन्स की बात करेंगे, अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, मैंने आपको बताया पीछे सिंगल बॉन्ड के बारे में, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, द सिंगल बॉन्ड, तो वो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, वो कंपाउंड्स, तो वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और अनसैचुरेटेड वाले में क्या होता है, अनसैचुरेटेड वाले में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी, या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो अनसैचुरेटेड में होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और एन एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। और एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि कार्बन एटम्स सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो ये सिंगल बॉन्ड बनता है, ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, यानी कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है।
एल्केन्स में यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल और डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म होते हैं, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपाउंड नोन एज एल्केन, यानी कि सबसे पहले मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। मैं आपको इसकी सीरीज बताऊंगी कि इनके नाम रखे कैसे जाते हैं, ठीक है। सारे सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन के आगे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा इधर कि देखो मेथ और एन लगा हुआ है इसके आगे, इसके आगे भी एन लगा हुआ है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी कि जितने भी एल्केन होते हैं, एल्केन इसके भी आगे देखो ए एन ई, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनके नाम के आगे ए एन ई लगा हुआ होता है, और उनका नाम किस अकॉर्डिंग रखा जाता है, जैसे कि मेथ का मतलब होता है वन, तो यानी कि वन मतलब वन क्या है, इसमें वन कार्बन है, वन कार्बन है, ठीक है, वन कार्बन है, और ये क्या है, एल्केन है एक। इसमें एथ मतलब टू, मेथ मतलब वन, एथ मतलब टू, प्रोप मतलब थ्री, ये लैटिन नेम्स है इनके सारे, ठीक है। ब्यूट कहते हैं इसको, बट नहीं कहते, इसको ब्यूट कहते हैं, ब्यूटी बट नहीं है, ये ब्यूट है, ब्यूट मतलब फोर, पेंट मतलब फाइव, ऐसे ही हेग्स वगैरह आते हैं। तो जो मैं आपको होमोलोगा सीरीज कराऊंगी, होमोलोगा सीरीज मतलब कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब हम नाम रखते हैं तो वो किस तरह से रखते हैं, क्योंकि हम इतने सारे नाम तो याद रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उस चेन में या फिर उस ब्रांच में या उस रिंग में या लीनियर की कोई भी अगर कार्बन की चेन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखते हैं, और वो कौन सा ग्रुप है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो वो कौन सा है, एल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो एन लगेगा उसके नाम के आगे, तो इस तरह से हम रखते हैं। अब इसका जनरल फॉर्मूला कैसे रखते हैं, एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो सी फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, सी अगर मान लो हमारा जो एन है वो वन है, सपोज करते हैं कि एन वन है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है वन, तो सी वन, यानी कि वन आता है जब सब्सक्रिप्ट में तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे चलो मैं आपको समझाने के लिए वन लिख देती हूँ। फिर एच टू एन, टू वन जा टू इंटू एन, एन क्या है वन, टू वन जा टू, टू प्लस टू फोर, तो फोर आ गया यहाँ पे, तो क्या बन गया ये सी एच फोर बन जाता है, ठीक है, सी एच फोर है ना। तो इस तरह से हम एल्केन्स का नाम रखते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, और नेमिंग में आपको बताऊंगी, अभी आप इतना ही समझो क्योंकि हम होमोलोगस सीरीज में सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो किस तरह से इसके नाम रखे गए हैं, इधर देखो मीथेन, तो मीथेन यानी कि मेथ, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं वन, एन यानी कि एन कितना है वन। अब आप इसको खुद से ट्राई करो, इसको खुद से आप ट्राई करना इस फॉर्मूले को यूज करके, कौन सा फॉर्मूला, इस जनरल फॉर्मूला को यूज करके आप एन की जगह पे वन टू थ्री फोर टेन तक रखो और देखो कि इसका क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एन की वैल्यू वन से लेके फोर तक आप लिखोगे तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो उन फॉर्मूलाज को आप नोट करोगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। मैथ मतलब वन, तो वन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब हमने वैल्यूज प्लेस की तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना हमारे पास, सी एच फोर, जैसे कि हमने पीछे निकाला था अभी। इथेन एथ यानी कि टू, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सी टू एच सिक्स फॉर्मूला प्लेस करके, ऐसे प्रॉप, प्रॉप मीन्स थ्री, सी थ्री एच एट, ऐसे ब्यूट मीन्स फोर फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, फॉर्मूले में प्लेस करेंगे इस वाले में, तो क्या आ जाएगा सी थ्री एच एट, सॉरी सी फोर एच टेन, ऐसे पेंटेन का पेंट मीन्स फाइव और सी फाइव एच ट्वेल्व, तो इस तरह से आता है, ठीक है। ये है अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन्स या फिर एल्काइन्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, अनसैचुरेटेड में कितने कनेक्टेड होते थे, एक दो कार्बन एटम्स किससे कनेक्टेड होते थे, सिंगल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड में किससे कनेक्ट होते हैं, या तो डबल बॉन्ड से होते हैं, डबल बॉन्ड कैसे होता है, डबल लाइन्स, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से यानी कि ट्रिपल लाइन्स, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है एल्कीन, एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना इस चीज को, एल्कीन में डबल बॉन्ड,
एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन्स में होता है, यानी कि सैचुरेटेड में होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और ये डबल बॉन्ड कैसे बना है? चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जब उन्होंने, जैसे कि ये एक कार्बन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन इधर, और बाकी ये किसी से कनेक्टेड है इधर से भी और इधर से भी, ताकि इसकी फोर की वैलेंसी पूरी हो जाए। 1, 2, 3, 4, फोर चीजों से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही ये वाला कार्बन 1, 2, 3 एंड 4, और ये दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड्स। ये दोनों एटम क्या बना लेंगे इसके? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये एटम और एक ये एटम क्या बना लेंगे? ये दोनों कनेक्ट होके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या था? चार इलेक्ट्रॉन्स। अगर छह इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये क्या बना लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। पर यहाँ पे क्या है? चार इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा? एल्कीन। अगर छह इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन और तीन करके इस तरह से, तो ये होगा एल्काइन्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। फिर ये इस तरह से 1, 2 और 3 इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। आया समझ में? अब देखते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n। हमने एल्केन का फॉर्मूला देखा था CnH2n+2, है ना। अब एल्केन का अलग होगा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अलग होगा और एल्काइन का अलग होगा, क्योंकि उनके नाम भी अलग होंगे। अब यहां देखो इथीन, इथ एथ मतलब टू, तो टू। अब एक चीज ध्यान रखना कि एल्कीन में सिर्फ एक कार्बन एटम नहीं हो सकता है। एल्केन में तो C1 हो सकता था, पर एल्कीन में C1 नहीं हो सकता है। देर कैन बी नो एल्कीन हैविंग ओनली वन कार्बन एटम। सिर्फ एक कार्बन एटम ही हो सकता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बनाना है। तो डबल बॉन्ड किससे बनेंगे? दो चीजें होनी चाहिए, तभी डबल बॉन्ड बन पाएगा, है ना। अब देखो प्रोपीन में 3, तो जो अगर हम इस फॉर्मूले में प्लेस करते हैं CN, N क्या है? N मैंने मान लिया है कि मैं अभी इथीन के लिए निकाल रही हूं, तो N क्या है हमारे पास? 2। तो मैंने N की वैल्यू रख दी है 2, N इक्वल्स टू 2, तो C2H2N, 2 मल्टीप्लाई बाय N, N क्या है? 2, 2 टू जा कितना होता है? 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2 टू जा 4, ये आ गया अपने पास C2H6। इसी तरह से प्रोपीन का निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया एल्कीन्स। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड बनता है, सिर्फ वन कार्बन एटम नहीं हो सकता कभी भी इसमें। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, जहां n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहा है, यानी कि 4 हो गए ना, ठीक है। अब आते हैं एल्काइन्स पे। सो व्हाट आर एल्काइन्स? मैंने जैसे कि आपको बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें दो कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। दस एल्काइन्स कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से होते हैं। यहां एक कार्बन है, इधर एक साइड, इधर की साइड एक कार्बन है, इन दोनों ने अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं, तीन तीन में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे किसी और से कनेक्टेड हो गई इधर की साइड, तो इनकी चार की वैलेंसी पूरी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है ना। एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। एल्कीन ENE एंड एल्काइन YNE, है ना। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड। और एल्काइन और एन वाला क्या है? एल्केन वाला क्या है? सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड और ये क्या है? अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। एल्कीन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n,
और एल्काइन का होता है CnH2n-2, जिसमें n क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसकी भी हम सेम तरह से नेमिंग करते हैं। आओ देखते हैं इसमें कैसे नेमिंग करते हैं। और इसमें एल्कीन की तरह ही एल्काइन में भी दो से कम कार्बन नहीं हो सकते, दो तो होने ही चाहिए मिनिमम। तो देखो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, Cn तो C2H2 यानी कि 2n, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 4 4 हो गया, ये यहाँ 4 हो गया, 4 - 2 2, तो ये क्या हो गया CH2H2। आए समझ में, ये थे अपने एल्काइन्स। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। तो अब देखो लास्ट टॉपिक एल्काइल ग्रुप, ये भी थोड़ा बहुत इन्हीं से कनेक्टेड है ना। हम क्या करते हैं सैचुरेटेड में यानी कि एल्केन में हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं एल्केन में से, यानी कि सैचुरेटेड वाले में से, तो क्या फॉर्म होता है एल्काइल ग्रुप फॉर्म होता है। द ग्रुप फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल में से, जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा एल्काइल। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है और एक एल्काइल है। एल्काइल कैसे बना, जब एक हाइड्रोजन हटा किसमें से, एल्केन में से। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। इसमें n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आप इसमें n में वैल्यू पुट करके इसका नाम निकाल सकते हो। और इसमें लास्ट में क्या आ जाता है YL, जैसे कि एल्केन में ANE आता है, एल्कीन में ENE आता है लास्ट में कंपाउंड्स के, और एल्काइन्स में YNE आता है, वैसे ही एल्काइल्स के YL आता है, जैसे कि मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, इस तरह से। मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, CH3। अब मीथेन क्या होता है, यानी कि एल्केन है ये एक, इसमें H4 है। अब मैंने इसका एक H रिमूव कर दिया, एक H रिमूव करूंगी तभी तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, तो एक H रिमूव करेंगे क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।